नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर्श है, आप देख रहे हैं फन विद टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रियलमी, जो कि बहुत ही बड़ा ब्रांड है अभी इंडिया मार्केटिंग में एंड अभी टॉप पे चल रहा है, क्योंकि गाइज उन्होंने अपना जो फ़ोन निकाला है रियलमी 3 प्रो, तो गाइज़ वो इंडिया के लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रखा है एंड वो शायद अभी सिर्फ इंडिया में ही निकला है, तो मतलब एक इंडिया का टॉप ब्रांड बन चुका है एंड इसको बहुत से अलग अलग यूट्यूबर्स हायर कर रहे हैं, बहुत ही कमाल का। एंड पिछले अभी 2 हफ्ते पहले मैंने गिव अवे किया था, पार्टिसिपेट लोगों ने बहुत सारे लोगों ने किया था, लेकिन विनर यार एक ही निकालना था, तो आप में से एक विनर को मिल चुका था यही Realme 3 Pro। तो गाइस आज यहाँ पे एक और फोन ये लोग निकालने वाले हैं, अभी ये लोग सोच रहे हैं, लेकिन उसके स्पेसिफिकेशंस मुझे पता चली हैं, तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ Realme X। तो बहुत ही कमाल का फ़ोन होने वाला है एंड गाइज इसमें आपको एक पॉपअप कैमरा के देखने को मिल जाएगा, जो कि एक नया, जो अभी फ्यूचर में आने वाले हैं, बहुत सारे कैमरे आ रहे हैं लेकिन पॉपअप कैमरा एक नया कैटेगरी टाइप का निकाला है एंड इसमें रियलमी ने भी यही यूज़ किया है। तो गाइज देखते हैं कैसा है फ़ोन, आइए आपको सारी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ इसी फ़ोन की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हर बार की तरह इस बार भी स्टार्टिंग करते हैं इसके डिस्प्ले से, तो आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो मतलब यार आपको आगे की साइड डिस्प्ले में आपको कोई भी नॉच नहीं देखने को मिल जाती है, सीधे पॉपअप कैमरा देखने को मिल जाता है, तो मतलब जो आपका स्पीकर है फ्रंट साइड का वो भी इनबिल्ड है, तो मतलब बहुत ही कमाल की बात। उसके बाद प्रोसेसर की बात करते हैं तो आपको स्नैपड्रैगन 710 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपकी गेमिंग बहुत ही स्मूथ चलने वाली है, बहुत ही कमाल का मतलब चिपसेट निकाल रखा है यार, ये अभी लेटेस्ट भी आ रहा है, तो मतलब Realme X में इसको होना ज़रूरी था, क्योंकि Realme हमेशा टॉप रहती है ब्रांड एंड बहुत ही कमाल के ब्रांड है इंडिया में। तो आई होप आप लोग को ज़रूर ये चिपसेट सुन के बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड आप लोग की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई होंगी कि आगे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो उसके बाद बात करते हैं हम लोग रैम की, तो आपको 2 वेरियंट में देखने को मिल जाएगा, रैम एक है 6 GB की एंड दूसरा है 8 GB की, स्टोरेज भी उसी हिसाब से डिवाइडेड है, पहला स्टोरेज है 64 GB की एंड दूसरा स्टोरेज है 128 GB की। तो मतलब अगर एक्सटर्नल अगर अलग से भी SD कार्ड लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा जिसमें आप 2 नैनो सिम एंड 1 SD कार्ड लगा सकते हैं। गाइस इसमें 5G कॉन्सेप्ट भी शायद ये लोग देने वाले हैं, तो मतलब आप 5G सिम भी लगा सकते हैं, जो कि अभी फ्यूचर में आने वाला है, अगले फ्यूचर जनरेशन में शायद आ जाए या फिर 2020 तक या फिर 21 तक आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा 5G कॉन्सेप्ट। उसके बाद बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं तो आपको 4000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि मतलब लियो की है, तो मतलब जो बहुत ही तेज़ यानी कि बहुत अच्छी चलती है एंड यार इसमें आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, 20 volts की फास्ट चार्जिंग, तो बहुत तेज़ चलेगा आपका ये फ़ोन एंड सपोर्ट भी बहुत करेगा चार्जिंग का, तो मतलब अगर आप आधे घंटे या 15 मिनट के लिए भी लगाते हैं तो आपका बहुत जल्दी चार्ज होगा फ़ोन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप 2 घंटे तो आराम से चला सकते हैं अगर आप इसको 5 या 10 मिनट भी चार्जिंग लगाते हैं एंड उसके बाद अगर गेमिंग अगर आप खेलते हैं तब भी आपकी बैटरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन बहुत ही कमाल का है एंड एंड्रॉयड वर्जन में आपको आगे बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही कमाल का है। वैसे तो अब बात करते हैं एंड्रॉयड वर्जन की, तो 9.0 को पाए, जो कि अभी लेटेस्ट चल रहा है एंड जितने भी नए फ़ोन या फिर नए जनरेशन में फ़ोन आ रहे हैं तो सभी फ़ोन्स में यही है, तो वैसे इस फ़ोन में भी आपको मिल जाता है एंड्रॉयड 9.0 का पाए, जो कि बहुत ही तेज़ चलता है एंड आपको इसके जो यार थीम्स वगैरह हैं तो बहुत ही कमाल के देखने को मिलते हैं एंड गाइज आपने Redmi Note 7 Pro में भी देखा था एंड Realme 3 Pro जो है उसमें भी यही यूज़ हुआ है, क्योंकि गाइज अभी इसके आगे कोई कॉन्सेप्ट निकला नहीं है, अगर निकलेगा तो शायद ज़रूर ये लोग Realme X में डालेंगे, क्योंकि गाइज अभी ये जो फ़ोन है ये कंफर्म नहीं हुआ है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन स्पेसिफिकेशंस मेरे को Realme के ही ऑफिशियल स्टोर से मिली है, तो गाइज मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ एंड ये जितने भी स्पेसिफिकेशंस है मैं आपको ओरिजिनल स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूँ, अगर कुछ भी गलत होता है तो गाइज आप यहाँ पे मेरी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। गाइज उसके बाद बात करते हैं कैमरा की, तो आपको 2 कैमरा देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड, तो फ्रंट कैमरा है वो है पॉपअप कैमरा 25 मेगापिक्सल का, मतलब आपका पूरा डिस्प्ले एकदम खाली रहेगा, नॉच तो मिल ही नहीं रही है, तो मतलब पूरा डिस्प्ले एकदम खाली रहेगा, आपको बहुत स्मूथ फील होगा एंड पॉपअप कैमरा ऊपर से निकलेगा कैमरा एंड आप सेल्फी खींच सकते हैं कहीं भी आप किसी भी कोने में बैठ के एंड यार इसका जो लो लाइट कैमरा है वो बहुत ही कमाल का है, मतलब अंधेरे में भी अगर आप फोटो खींचते हैं तो बहुत ही कमाल की फोटो आएगी। बैक कैमरा की बात करते हैं तो पीछे की साइड आपको 2 कैमरा देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ड्यूअल कैमरा सेटअप है, तो पहला कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल का, तो मतलब ये कॉन्सेप्ट है
Redmi Note 7 का आप लोग सोच ही रहे होंगे कि मतलब यार Redmi को टक्कर दे रहा है, तो कुछ उसी हिसाब से इनको कैमरा भी लाना चाहिए। 48 मेगापिक्सल का कैमरा इन्होंने डाल दिया पीछे की साइड, एंड जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का। तो बहुत ही कमाल के कैमरा एंड फ्लैश लाइट यार बहुत ही कमाल की है, मतलब अगर आप अंधेरे में फोटो खींचते हैं तो बहुत ही कमाल की फोटो आएगी, इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यार रियलमी हमेशा ही टॉप पे रहती है। गाइज उसके बाद हम लोग इसकी कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं, तो गाइज आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, तो मतलब पीछे की साइड एकदम खाली ग्लास, आपको बहुत ही स्मूथ लुक दिखेगा पीछे से भी। एंड ये आईफोन एक्स आपका जो है बिल्कुल सेम उसी तरीके का मॉडल है पीछे से, तो गाइज इसीलिए शायद उन्होंने रियलमी एक्स रखा है, तो टक्कर दे दी इस बार एप्पल को। तो मतलब यार प्राइस अगर आपका लो है तब भी आप ये जरूर खरीदे, क्योंकि यार रियलमी हमेशा बजट फोन निकालता है, तो मतलब ये भी बहुत ही बजट में, यानी कि 15-20 हज़ार में जरूर आएगा। तो बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, फोन भी बहुत ही कमाल का है। आई होप आपको पसंद आया होगा फोन की स्पेसिफिकेशंस, एंड जब भी फोन निकलेगा मैं आपको बता दूंगा आपको एक वीडियो के द्वारा, एंड आप जरूर इसको फोन को बाय करेंगे। एंड आई होप आपको वीडियो भी पसंद आएगी, तो जल्दी से जाके लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यार मेरे को बोलना ना पड़े आप जरूर कर दिया करो, क्योंकि यार बार बार बताते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि ये फोर्स कर रहा है, तो भाई मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कुछ भी पूछना हो या फिर कुछ भी अगर आपको टेक से अलग या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड आपको बात करनी हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक तो नहीं मिलेगी, यहाँ पे वहाँ पे मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स मिलेंगी, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी कमेंट पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जब भी मेरे पास टाइम होगा। तो गाइस फिलहाल आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हुई, कल मिलते हैं मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।